छतरपुर के महाराजापुर में क्रिकेट के विवाद पर 6 युवकों ने मिलकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी क्रिकेट सटोरिया है, जो कि आईपीएल के दौरान सट्टा भी खिलवाता था। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पठारी मोहल्ले में युवक लॉकडाउन पर क्रिकेट खेल रहे थे। इस क्रिकेट मैच में मोतीलाल शिवहरे एक टीम के खिलाड़ी के रूप में खेल रहा था, तभी उसकी दूसरी टीम में खेल रहे राहुल शिवहरे से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी, जिसके बाद राहुल शिवहरे ने अपने 4 दोस्तों को मौके पर फोन कर बुला लिया और उसमें से राहुल चौरसिया ने मोतीलाल को गोली मार दी। गोली की घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की सूचना लगते ही घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से पहले महाराजपुर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर सट्टे की पर्चियां भी पड़ी मिली हैं। मृतक के भाई ने पुलिस को 6 आरोपियों के नाम इस हत्याकांड में लिखवाए हैं। पुलिस का कहना है, घटना क्रिकेट के खेल के दौरान विवाद पर हुई है। हत्याकांड का प्रमुख आरोपी राहुल चौरसिया आईपीएल के क्रिकेट का सट्टा भी खिलवाता था। फिलहाल घटना के सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। मैच में हुआ विवाद थोड़ा सा, और उन्हें राहुल से बारे में लगाया फोन, और उनके गुंडे आए, उन्हें भैया हमारे खड़े थे उधर, तो उन्हें सीधी आओ उतनी छाती में गोली मार दी, और एक सर में मार दी, एक हाथ में, बस चारों लोग चले गए। कल शाम में महाराजपुर में पठानीपुर वाला एक गाँव है, वहाँ पे मोतीलाल शिवहरे, जो कि मजदूरी और इस तरह काम करता था, उसे क्रिकेट खेलने पर से हुए विवाद पे गोली मार के हत्या उसकी कर दी गई है। फरियादी, जो कि मृतक का छोटा भाई है, उसने 6 लोगों का नाम लिखाया है। मुख्य आरोपी जो है इसमें 2 लोग, जिन्होंने गोली चलाना बताया है जिनके द्वारा, उनकी तलाश अभी चल रही है और उम्मीद है कि शाम तक या रात तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।